जतिन भाई ओझा गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के कई सालों से प्रेसिडेंट हैं। कोरोना के समय में जब फिजिकल हियरिंग बंद हो गई कोर्टों में, तो गुजरात हाई कोर्ट में जतिन भाई ओझा ने दोबारा से फिजिकल हियरिंग की शुरुआत किए जाने की बात कही। वो जब नहीं हुआ तो उसके बाद उन्होंने फेसबुक लाइव में कुछ ऐसी बातें कहीं जो कंटेम्पचुअस थी, जिसमें उन्होंने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट में जो रजिस्ट्री है वो बायस्ड बिहेव करती है और पैसे वालों, इंडस्ट्रियलिस्ट या बिलियनियर के जो मामले हैं वो इमीडिएटली लिस्ट हो जाते हैं और आम एडवोकेट के साथ ऐसा नहीं हो पाता है, और इस तरह की उन्होंने और भी कई बातें कही। उस बात का संज्ञान लेते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने सुओ मोटो को कॉग्निजेंस लेते हुए इस मामले का उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट की, और ये भी कहा कि क्यों ना आपका जो सीनियर डेजिग्नेशन है वो वापस ले लिया जाए। उस प्रोसीडिंग के स्टार्ट होने के बाद यतीन ओझा सीधे सुप्रीम कोर्ट की तरफ भागे और सुप्रीम कोर्ट में आकर उन्होंने एक रिट पिटीशन फाइल की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, आपके खिलाफ जो हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई है आप वहां जा करके उस मामले में जो कार्रवाई होती है उसको देखिए या उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। और उन्होंने अपनी जो पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में वो विड्रा कर ली और वो हाई कोर्ट में वापस आ गए। हाई कोर्ट में जो कार्रवाई हुई है उसके बाद गुजरात हाई कोर्ट ने जतिन भाई ओझा का जो सीनियर डेजिग्नेशन है वो वापस ले लिया है। सीनियर डेजिग्नेशन यानी कि जो एडवोकेट एक्ट के अनुसार कुछ एडवोकेट्स जो प्रोफेशन में सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया होता है और उनकी लॉ के मामले में स्पेशल नॉलेज कोर्ट जो है मानते हुए उन्हें सीनियर डेजिग्नेट करते हैं और उसके हिसाब से सीनियर डेजिग्नेशन के बाद वो सीनियर एडवोकेट हो जाते हैं, वो उसके बाद डायरेक्ट जो है केसेस नहीं लेते, जूनियर्स के थ्रू या जो दूसरे एडवोकेट्स के थ्रू वो केवल आर्ग्यूमेंट करते हैं। और जो यतीन भाई ओझा थे कई सालों से सीनियर एडवोकेट तो थे ही, वो गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के प्रधान या कहीं प्रेसिडेंट भी थे। अब उनका गुजरात हाई कोर्ट ने जो सीनियर रेजिग्नेशन उन्हें दिया था वो वापस ले लिया है। इसके अलावा जो यतीन भाई ओझा है उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी रहा है, वो बीजेपी से एमएलए भी रहे हैं, कांग्रेस से भी वो नरेंद्र भाई मोदी के खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं और आम आदमी पार्टी में भी उनका एक छोटा समय रहा है आम आदमी पार्टी के साथ भी, तो वो पॉलिटिकली एक्टिव व्यक्ति भी हैं, एडवोकेट हैं और बार के लीडर भी रहे हैं। लेकिन उनका जो कंटेम्पचुअस एक्टिविटी अब कोरोना के समय में फेसबुक पे उन्होंने किया था उसके चलते हाईकोर्ट ने उनका सीनियर डेजिग्नेशन वापस ले लिया है।